दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सैलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बोसन के बारे में, जो मर्चेंट नेवी में जो ट्रेनी OS OS एबल बॉडी सीमेन, उसके बाद जो बोसन रैंक होती है उसका सैलरी कितना होता है, उसको जॉब क्या करना पड़ता है, उसका रेस्ट आवर क्या होता है और उसकी सैलरी वगैरह सब इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। बोसन की सैलरी क्या होती है और उसका ड्यूटी आवर्स क्या होता है, ओटी कितनी मिलती है, उसको कौन कौन सा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो डेक डिपार्टमेंट में जो क्रू होता है, क्रू का सबसे हेड जो होता है वो बोसन होता है। बोसन क्रू का हेड होता है। ट्रेनिंग OS हो गया, OS हो गया और AB हो गया, सब के ये सब बोसन के अंडर ही काम करते हैं। बोसन जो होता है वन ए एक्सपीरियंस सीमैन होता है क्रू डिपार्टमेंट का। क्रू डिपार्टमेंट का सबसे हेड बोसन होता है। जो भी काम होता है डेक डिपार्टमेंट में वो क्रू जो होते हैं वो बोसन के अंडर ही रहकर अपना सर्वाइव करते हैं, सभी काम करते हैं, क्योंकि चीफ ऑफिसर जो होता है बोसन को काम प्रोवाइड करा देता है और जो काम जो बोसन होता है वो AB को हो गया, ट्रेनिंग OS को हो गया और OS को ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम लोग बात कर देते हैं, ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब बोसन का वर्क क्या करता है, बोसन बहुत ही कम वर्क करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा काम हो गया जो ट्रेनिंग OS हो गया, OS हो गया या एबल बॉडी सीमेन हो गया, उसको ये काम करने नहीं आ रहा है, तब उस सिचुएशन पर मैं बोसन वो क्या करता है, काम करता है, समझिए कि ऐसे असिस्ट करता है, ठीक है। अगर AB को अगर समझ में नहीं आता है तो बोसन बताता है कि हाँ आपको ऐसे ही काम करना है। उसकी भी वही टाइम होती है मॉर्निंग 8 to, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग OS और ट्रेनिंग वाइपर और OS और एबल बॉडी सीमेन की बताया, एबल बॉडी सीमेन को छोड़कर ट्रेनिंग OS और OS की जो ड्यूटी होती है वही बोसन की होती है। बोसन 8 to 10 डेक डिपार्टमेंट में रहता है, फिर 10 to फिर उसकी जो होती है 10 to 12 तक उसकी क्या होती है, तो ट्री ब्रेक होता है, फिर उसको 10:15 to 12 तक फिर वही डायरेक्शन देना पड़ता है, फिर 12 to 1 वो लंच करता है, फिर 1 to 2 तक, फिर 1 to 3 तक फिर वो जॉब प्रोवाइड करवाता है सबको, फिर 3 to 3:15 उसका टी ब्रेक होता है, फिर वो 3:15 to 5 तक रहता है बात। उसके बाद बोसन के वर्क ख़त्म हो जाता है, वो उसके बाद कोई काम नहीं करता है। अब सैलरी की बात कर ले बोसन की, तो बोसन की पहले यूनिफॉर्म की बात करें तो बोसन का यूनिफॉर्म जो होता है वो सिंपल ही होता है, बॉयलर सूट ही होता है। सैलरी की हम लोग बात कर ले तो अगर हम लोग इंडिया में ज्वाइन करते हैं, टैंकर वेसल हो गया या कुछ भी हो गया, अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम लोग FG वेसल में जाते हैं और ITF कंपनी फॉरेन गोइंग शिप में जाते हैं तो बोसन की सैलरी आज के डेट में कम से कम इंडियन करेंसी में 1,20,000 1,30,000 रुपये पर मंथ बन जाती है। यानी उसकी देख ले तो उसकी जो सैलरी होती है 1,500 to 1,600-1,700 तक पहुंच जाती है। तो यही वीडियो रहा। अगर आपको फिर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि सर बोसन बनने के लिए भी कोई रिटेन एग्जाम देना पड़ता है, तो जी नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता है। ट्रेनिंग OS का 1 मारने के बाद अब OS बन जाते हैं, फिर OS में 2 to 3 मारने के बाद आप AB बन जाते हैं, फिर AB में 2-3 करने के बाद ऑटोमेटिक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोसन बना दिया जाता है, ठीक है। बोसन के बाद अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तब आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।